फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेल इंडियाज किचन में। आज हम सोया चंक से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे, जो है चिली सोया चंक्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है और हम इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे आज, जो सबको बहुत पसंद आएगा। इसे आप ग्रेवी के साथ या ड्राई, दोनों तरीकों से बना सकते हैं। यहाँ मैं आज ड्राई चिली सोया बनाऊंगी। चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सोया चंक्स, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून दही, 2 प्याज मोटे कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च मोटी कटी हुई, 1 हरी मिर्च स्लिट की हुई, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 कप तेल और नमक स्वाद अनुसार। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सोया चंक्स लिए हैं। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें सोया चंक्स डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। अब गर्म पानी डालने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10-15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। मैंने सारे सोया चंक्स निचोड़ लिए हैं। अब इसे वापस एक बड़े बोल में डालेंगे। अब इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर और दही। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। देखिए मैंने अच्छे से सब मिला दिया है। अब एक हम पैन रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हमने जो सोया चंक्स लिए थे उसे इसमें डाल देंगे और फ्राई करेंगे। इसे ऐसे ही हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखिए कलर हल्का चेंज होने लगा है, गोल्डन होने लगे हैं। इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे सोया चंक्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम उसी पैन में 1 स्लिट की हुई हरी मिर्च डालेंगे। फिर उसमें हम प्याज डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। गैस मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक सब्जियां थोड़ी सी गल नहीं जाती, तो उसके लिए मैंने ढक दिया है। 5-7 मिनट बाद ये देखिए ऐसे हो गए हैं सब्जियां। हल्का सा प्याज भी ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। अब इसमें नमक डाला है, फिर लाल मिर्च पाउडर, फिर रेड चिली सॉस, फिर टमाटो सॉस, फिर विनेगर और फिर सोया सॉस। अब इन
सबको अच्छे से हम मिला देंगे। अब इसमें हम अपने फ्राई किए हुए सोया चंक्स डालेंगे। इसे हम अच्छे तरह से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के एक स्लरी बनाएंगे और इसे हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और मीडियम गैस पे इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारे चिली सोया चंक्स बनके तैयार हैं। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमारे चिली सोया चंक्स बनके तैयार हैं। होप यू लाइक इट। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।